मैथ्स एपीसीटी एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मैं आप सभी को देने वाला हूँ गुड न्यूज। इतनी गुड न्यूज कि आप सभी सुनकर भी कहेंगे कि हाँ, ये तो वाकई में बहुत मजा जो है आ गया है। तो यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, क्योंकि हम कराते हैं आप सभी को सीपीसीटी की तैयारी, साथ ही आपको टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी चीजें यहाँ पे कराने वाले हैं। ये जो सारा है वो सभी हम आपको यहाँ पे कराते हैं। साथ ही हम रीजनिंग और मैथ्स के भी जो है वीडियो कॉपी अपलोड करने वाले हैं, साथ ही एमपीजी के का भी पोर्शन भी अपलोड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको भी जो है प्रेस कर लेना होगा। इससे क्या होगा, आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन जो है लगातार आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर गुड न्यूज क्या है वो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सीपीसीटी के जितने भी कैंडिडेट हैं या सभी जो कर चुके हैं तो उनको थोड़ा सा जो है निराश हाथ लगेगी, बट जो अभी इन्होंने अभी तक जो है अपना यहाँ पर सीपीसीटी पास नहीं किया है तो उनके लिए जो है एक सुनहरा मौका, क्योंकि हम तैयारी कराते हैं और तैयारी कराने के साथ मेन बात रीजन ये है कि अब आपका सीपीसीटी जो है 4 इयर्स तक जो है आपका मान जो है रहेगा। अभी तक 2 इयर्स जो है आपका यहाँ पे मान होता था, यानी कि आप जो है उसे कर लेते थे, पास कर लेते थे, पास करने के उपरांत आपका जो है वो 2 ईयर तक जो है आपका वैलिड होता था। अब जो है गुड न्यूज है यहाँ पे, अब जो है आपका 4 ईयर तक जो है आपका यहाँ पे ये जो है वैलिड होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा सामने, मेरे सामने इसका फुल ऑफिशियल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो है मेरे पास निर्देश है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो डेट लिखा हुआ है यहाँ पे भोपाल दिनांक 20/6 और साथ ही 2019 यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने ये आदेश दिया है, शासन के जो है समस्त विभाग हैं और अध्यक्ष राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का जो एजी ऑफिस बोलते हैं, ऑडिट भवन बोलते हैं, यानी कि महालेखाकार जो कि आपका ये की है वो है हमारा कहाँ, ग्वालियर में। तो महालेखाकार के लिए समस्त विभाग अध्यक्ष होंगे, समस्त संभाग युक्त होंगे, समस्त जिला कलेक्टर होंगे और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत यानी जिनको हम सीईओ जो है बोलते हैं उनको भी जो है शासन ने ये आदेश कर दिया है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका जो आदेश यहाँ पे आप देखेंगे शासन के विभिन्न विभागों, यहाँ पे देखिएगा शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों के विभिन्न पदों पर संविदा पर यानी कि जो लोग ऐसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखे जाते हैं और नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी कि आपका सीपीसीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट के प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो आपको पास करने के उपरांत एक स्कोर कार्ड यानी आपको एक सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो भी आपको डाउनलोड करना होता है, उसकी जो है अवधि यानी कि उसकी वृद्धि के संबंध में। यहाँ पे देख सकते हैं विभाग का समसंख्यक परिपत्र जो दिनांक है वो 20/10/2014 यानी कि इससे दिन से जो है सीपीसीटी का काफी जो बनाया गया डिपार्टमेंट बनाया गया आपका जो सीपीसीटी होम बनाया गया तो उसके जो है यहाँ पे उसका परिपत्र दिनांक है। यहाँ पे देखिए विभाग के संदर्भ परिपत्र द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों कार्यालयों के विभिन्न पदों, ये वही बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर मैंने बताया है। और साथ ही आप यहाँ पे देखिएगा इसका मेन चीज जो है वो आपको निकल के आती है कि उक्त निर्देश की कंडिका में 5 कंप्यूटर यानी कि 5 में इसके जो पहले भी कई आदेश हुए हैं उसकी जो है कंडिका 5 है। कंप्यूटर रक्षा प्रमाण परीक्षा यानी सीपीसीटी के प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड की वैधता अवधि 2 वर्ष जो है निर्धारित की गई थी, यानी कि अभी तक आप अगर सीपीसीटी पास कर लेती थी तो आपको जो है आपका वैलिड रहता था 2 इयर्स तक, यानी कि आपने अगर पास किया है आज से मान लीजिए अभी जो 20 है आप 20 को पेपर दिया, आज ही आप पास हुए हैं, पेपर आज दिया है तो आपका जो है 2 ईयर तक जो है आपका क्या रहता था वैलिड होता था। अब जो है यहाँ पे देखिएगा राज्य शासन एतद कंप्यूटर परीक्षा जो होता है आपका स्कोर कार्ड उसकी वैधता अवधि 2 वर्ष के स्थान पर यहाँ पे देखिएगा
वर्ष के स्थान पर जो है यहाँ पे, दो वर्ष के स्थान पर यहाँ पे देखिए, दो वर्ष के स्थान पर चार वर्ष जो है निर्धारित की जाती है। यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक यानी कि आज को ये आदेश हुआ है, तो आप सभी के लिए काफी गुड न्यूज कि अब आप जो सीपीसीटी करेंगे तो वो आपकी चार साल तक वैलिड रहेगी। आदेश जारी होने के दिनांक के पश्चात आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड पर लागू जो है होगी। तो ये सभी के लिए गुड न्यूज है और मैं तो इसे बहुत ही लकी मानता हूँ। ये आपका गोल्डन चांस यानी कि कितनी मुश्किल से आप सीपीसीटी पास कर पाते हैं, वो टू ईयर चलती थी और टू ईयर में कोई वैकेंसी भी नहीं निकलती थी तो काफी नुकसान होता था। यहाँ पे आपकी जो है सभी जो प्रतिलिपि भेजी जाएगी जो भोपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजभवन, वो ये आपके जितने भी जो डिपार्टमेंट हमारा मध्य प्रदेश का होता है वो निर्देश सभी के लिए जो है जाएंगे यहाँ पे। और ये यहाँ पे सचिव के निशान है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के, और साथ ही यहाँ पे राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार है, ये हमारे प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन के जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये काफी गुड न्यूज थी आप सभी के लिए, तो एक बार लाइक जरूर कर देना। मजा आ गया यार, फोर ईयर का मतलब हमारा अब हो गया, इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है हम ये सीपीसीटी पास कर पाते थे तो एकदम मजा आ गया। लाइक तो बनता है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और मैं आपके लिए जो है ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। उसके लिए लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।